अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का सॉसेजेस। देखते हैं रेसिपी की तरफ। एक किलो चिकन लिया है, गार्लिक पाउडर, नमक, काला मिर्च पाउडर, चिकन क्यूब, मिर्ची पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और चिकन टिक्का मसाला। अब इन सबको हम पीस लेंगे मिक्सी में, चॉपर में, जो भी आपके पास है उसमें आप पीस लेना। अब पीस लेते हैं मिक्सर में। अच्छा बारीक हो गया है। अब क्लिंग रैप लेंगे और पेड़े बना लेंगे, रोटी के साइज़ के बॉल बना देंगे और उसको फैलाएंगे हाथ से। देखो किस तरह से हो रहा है काम। अब क्लिंग रैप करेंगे उसको आहिस्ता आहिस्ता से। अब उसको नॉट लगा देंगे। देखो टाइट बांधना है इसको दोनों तरफ से। देखो उसमें से ज़रा भी ढीला नहीं है, एकदम टाइट कर दिया हमने। उसको बांध देंगे। रेडी हो गया है एक। अब इसी तरह से हम दूसरे भी रेडी करेंगे। सॉसेजेस बन गए हैं। अब एक देगची में गरम पानी करेंगे, अच्छा बॉयल आने तक रखेंगे इसे। अब हम एक एक सॉसेज डालते जाएंगे। दस से बारह मिनट इसे बॉयल करेंगे ढककर। अब हम इसको ढक देंगे। दस मिनट से ज़्यादा हो गया है। देखो तैयार है। अब गैस बंद करेंगे और उतार लेंगे।
अब क्लिंग रैप से निकाल देंगे। थोड़ा गरम है, आप ठंडा होने दें फिर निकाल लें। देखो हम कट करके बताते हैं आपको। देखो अंदर से पूरा पक गया है, सॉफ्ट भी है। अब ये रेडी है तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं हम ज़िप लॉक बैग में या किसी डब्बे में डाल के फ्रीज़ कर देंगे इसे। जब यूज़ करना हो तो थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई पैन में उसे फ्राई कर देंगे। एक एक मिनट के लिए ही फ्राई करना है। देखो एक साइड से कलर आ गया है, थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, अब दूसरी तरफ पलट देंगे। अच्छा कलर आ गया है, अब गैस बंद करके इसे निकाल देंगे।